एनर्जी का डबल कैपेसिटर मोटर के कनेक्शन वायरिंग डायग्राम और कैपेसिटर की टेस्टिंग वायरिंग की टेस्टिंग और कैपेसिटर की वैल्यू निकालना, रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू निकालना और बिना स्टार्टिंग कैपेसिटर के मोटर को चलाना कैसे चलाते हैं। गुड आफ्टरनून, आज हम डिस्कस करेंगे डबल कैपेसिटर मोटर कनेक्शन वायरिंग और टेस्टिंग। तो ये हमारे पास डबल कैपेसिटर मोटर है, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि ये सिंगल फेज मोटर है, 0.7 किलोवाट की है, 1440 आरपीएम है और 8.17 एम्पियर करंट जो है वो लेती है और सिंगल फेज की। तो ये इसके पार्ट हो गए, ये इसका रोटर, ये वाइंडिंग, ये कैपेसिटर और ये इसके बेस और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो सिर्फ डबल कैपेसिटर मोटर में ही मिलता है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वर्किंग बताएंगे, टेस्टिंग बताएंगे और दूसरी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले इसका एक कनेक्शन डायग्राम बता देते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि सिंगल फेज मोटर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक मेन वाइंडिंग होती है, दूसरी स्टार्ट वाइंडिंग। तो इसके कनेक्शन करेंगे और इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा है रनिंग कैपेसिटर। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेट 100 माइक्रोफैड से लेके 120 माइक्रोफैड, जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो 18 माइक्रोफैड से लेके लगभग 24 माइक्रोफैड और ये आपका रोटर हो गया, ठीक है। बाई चांस जब हम काम करते हैं या मतलब आप पुरानी मोटर लेते हैं तो उसमें स्टिकर वगैरह नहीं होते हैं जिसमें कैपेसिटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो दिखी होती, मतलब मिट जाती है, या कई बार काम करते हुए कई बार स्क्रैप में कई बार पेंटिंग में तो मिट जाती है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर को की वैल्यू का पता करने के लिए कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर जो है वो लगेगा वो फार्मूला आपको बताया है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर निकालने के लिए फार्मूला है I into 10 raised to power 6 over 2 pi f V, मतलब ये हो गया पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 40 हर्ट्ज़, वोल्टेज आ गई 240, जैसे कि मोटर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें वोल्टेज, करंट, पावर, एफिशिएंसी सारी चीजें जो वो मोटर के टैग लाइन के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 108 माइक्रोफैड, ये मोटर की एफिशिएंसी वोल्टेज और करंट के ऊपर वेरी करता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब वेरी करेगा इसके बीच में 100 से लेके 120 माइक्रोफैड के बीच में वेरी करता रहता है। कई बार जो कॉपर आपने यूज किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब थिकनेस कैसी है, मोटर कितना करंट ले रही है, तो जो चीजें आप इसमें डालेंगे उसके अनुसार ये चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, परंतु अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो इसके बीच में मिलेगी आपको 100 से 120 माइक्रोफैड के बीच में। दूसरा है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर क्या होता है, जो कैपेसिटर लगातार मोटर के साथ में काम करता रहेगा, जैसे जो सीलिंग फैन है आपका उसके में जो कैपेसिटर लगा होता है उसको परमानेंट कैपेसिटर बोलते हैं, परंतु जो कैपेसिटर मोटर के साथ 24 आवर काम करता रहेगा उसको रनिंग कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी और इसकी वोल्टेज जो है वो 270-80, मतलब 240 से लेके 280 वोल्ट के बीच में होगी, 240 से 280 वोल्ट। और इसकी जो वोल्टेज है वर्किंग वोल्टेज वो 415 से लेके 440 वोल्ट के बीच में होगी, ठीक है। जो मार्केट से आप लेंगे तो उस हिसाब से लेंगे कि जो उसके ऊपर वर्किंग वोल्टेज है वो मैंशन होगा। अब है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का फार्मूला है पावर मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसी भी मोटर की जो एफिशिएंसी है, अगर वो मोटर जो है वो कंपनी से आई हुई है तो उसकी एफिशिएंसी होगी 80%, अगर आपने इसको बाइंड कर दिया है तो इसकी एफिशिएंसी रह जाती है 70 से लेके 80% के बीच में, परंतु अगर नई ब्रांडेड अच्छी कंपनी की मोटर है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो हम 80% मान के चलते हैं। तो ये नई मोटर है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 80% मानी और फार्मूला लगाएंगे पावर जो इसके ऊपर टैगलाइन के ऊपर लिखी हुई है, वाट में चाहिए यहाँ किलो वाट में लिखिए, मल्टीप्लाई करके आप वाट में निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, वोल्टेज का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी, जो हमारे घर में फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा माइक्रोफैरड। तो जो इसका कैपेसिटर होगा वो रनिंग कैपेसिटर, ठीक है।
तो ये सेंटर भी स्विच है, ये सिर्फ डबल कैपेसिटर मोटर में ही मिलेगा देखने को, बाकी जगह नहीं मिलेगा। ये रोटर और रोटर के साथ इसकी अटैचमेंट होती है सेंटर फ्यूगल स्विच, और जो फ्रंट साइड का कवर है जिस तरफ सेंटर फ्यूगल स्विच लगा होता है, तो ये सेंटर फ्यूगल स्विच को जोड़ने के लिए इसके टर्मिनल। तो ये सेंटर फ्यूगल स्विच बोलते हैं कुछ लोग, इसको क्लच बोलते हैं, मोटर का क्लच, ठीक है। जैसे आप मतलब मोटर आपकी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो आप क्लच को छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे ही जब एक बार मोटर जो अप्रोक्सीमेट 80% से ऊपर स्पीड पकड़ ली उसने, तो ये कैपेसिटर जो है तो काम करना बंद कर देता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग और मैं ही काम करता है जब, और मोटर जो है वो हैवी ड्यूटी वर्कलोड पे काम करती है, मतलब जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होती है वहां पे डबल कैपेसिटर मोटर यूज की जाती है, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा नहीं चाहिए होती है वहां पे सिंगल फेज की मोटर जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो ये जो मोटर हम जहां से लाए हैं वो लोड वाला काम वहां होता है, तो इसमें डबल कैपेसिटर मोटर जो वो यूज की जाती है। और कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगी जो डबल कैपेसिटर मोटर जो है वो यूज की जाती है, आटा चक्की मशीन में, क्योंकि वहां पे 24 आवर लोड होता है, ठीक है। जो उसके घूमने वाले व्हील होते हैं जिन्हें आटा क्रश होता है, तो उसके ऊपर लोड जो 24 आवर होता है, तो वहां पे डबल कैपेसिटर मोटर या दूसरा आपका ग्रास कटर जिसमें आप अपने पशुओं के लिए घास काटते हैं, वहां जो मोटर यूज की जाती है वो डबल कैपेसिटर मोटर यूज की जाती है, क्योंकि उसकी घास जब काटते हैं तो टॉर्क ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। कभी कम चाहिए कभी ज्यादा चाहिए, तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क कई बार उसमें घास पर जाता है, कई बार कुछ होता है, तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाली मोटर या डबल कैपेसिटर वाली मोटर या क्लच वाली मोटर जो है वो आपको चाहिए होती है, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये एक कैपेसिटर को, ये रनिंग कैपेसिटर हो गया, ये तो 24 आवर इसके साथ जुड़ा होगा, दूसरे स्विच के साथ ये कैपेसिटर है आपका, एक तो साइज में बड़ा होगा, दूसरा ये स्टार्टिंग के समय ही काम करेगा, और ये हो गया स्विच जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये जब आपकी मोटर की जो रनिंग स्पीड है वो 80% से ऊपर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कैसे होता है कि जब इसमें 80% से ज्यादा की टॉर्क बन जाएगी तो ये मैग्नेट इसको रोटर को अपनी तरफ खींच लेता है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऐसे होगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां से ये इसको जब हम पुश करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अभी कनेक्ट है, जब ये इसको खींच लेगा तो ये पीछे हट जाएगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये कैपेसिटर आपका इस स्विच से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कई बार सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जगह कई मोटरों में रिले भी यूज की जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग करेंगे, बाइंडिंग की टेस्टिंग करेंगे, मतलब मेन बाइंडिंग की टेस्टिंग करेंगे, रनिंग और स्टार्ट बाइंडिंग की टेस्टिंग करेंगे कि हमारी जो बाइंडिंग है वो ठीक है कि नहीं है। टेस्टिंग करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं या आपके पास सीरीज लैंप होना चाहिए उससे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीकों से हम टेस्टिंग बनाएंगे आपको। हमारे पास ये एक्सटेंशन बोर्ड हो गया और हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारी बाइंडिंग ठीक है कि नहीं है। हमने लैंप को सीरीज में लगाया हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू, अब हम एक एक बाइंडिंग का टेस्ट करेंगे कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। तो बाइंडिंग में तो ये ऐसा कोई है नहीं कि ये मतलब मेन बाइंडिंग है, ये इसकी मतलब रनिंग बाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ये आप डिसाइड करेंगे कि कैसे कनेक्शन करने हैं। किसी को भी मतलब मेन बाइंडिंग बनाया जा सकता है, किसी को भी स्टार्टिंग बाइंडिंग बनाया जा सकता है। तो मेन बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग टेस्ट करेंगे और साथ में मोटर के बॉडी के द्वारा इसका आर्क टेस्ट करेंगे। तो पहले तो हम एक एक बाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि मतलब ठीक है कि नहीं है। तो ये एक बाइंडिंग ये हो गई हमारी और दूसरी बाइंडिंग ये हो गई, तो इनका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं, अब जब तक हमने इसको जोड़ा नहीं है तो तब तक ये आपस में नहीं मतलब ग्लो बल्ब ग्लो होना चाहिए किसी भी टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे तो ये अपनी इसकी बाइंडिंग है, इसके साथ इसका ग्लो नहीं होना चाहिए और ना ही बॉडी के साथ किसी टर्मिनल का, जैसे ये आपकी इसकी बॉडी होगी, किसी भी टर्मिनल का बॉडी के साथ ग्लो नहीं करना चाहिए, ना तो क्या होगा कि ये अर्थ लीकेज हो जाएगा और मतलब जब आप इसमें काम करेंगे तो आपको करंट लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमने ये पता कर लिया कि एक बाइंडिंग ये है इसकी और दूसरी बाइंडिंग ये है, तो कोई भी किन्हीं भी दो टर्मिनल को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे और जो बाकी के दो टर्मिनल बचे वो चित्र के अनुसार जोड़ेंगे। जैसे हमने ये दो टर्मिनल
यहाँ पे ये कॉमन कर लिया और कॉमन के साथ या तो नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे, कोई भी एक बाइंड कनेक्शन जो है वो सीधा कर देंगे, चाहे सब नेगेटिव लगा दो या पॉजिटिव लगा दो, एसी में ऐसा कोई झंझट नहीं है, कोई भी कनेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या होना चाहिए कि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए इसकी तरफ और दूसरी तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, पर एसी में इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता, कोई भी टर्मिनल कहीं भी जोड़ा जा सकता है, तो एक सीधी लाइन जो है वो आप इस पे जोड़ देंगे, दूसरी लाइन जो है वो ऐसे होते हुए रनिंग कैपेसिटर से होते हुए और स्टार्टिंग कैपेसिटर से होते हुए आपको यहाँ पे फेस देना है। ठीक है, ये तो कर दिया हमने सीरीज लैंप के थ्रू टेस्टिंग कर दी, अब हम मल्टीमीटर के द्वारा इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये मल्टीमीटर के द्वारा टेस्टिंग कैसे की जाती है। हम मल्टीमीटर के द्वारा इसकी बाइंडिंग की टेस्ट करेंगे कि बाइंडिंग सही है और मतलब प्रॉपर कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखेंगे और तो उसको आपने जोड़ेंगे तो बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ठीक है, और यहाँ पे बीप के साथ साथ जो रीडिंग है वो कम होके 1, 2, 5, 10 के बीच तक हो जाएगी कम। अब हम बाइंडिंग की टेस्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था कि हमें पता है कि ये और ये बाइंडिंग आपस में है, तो ये बीप के बाद करिए और कंटिन्यूटी मोड पे कंटिन्यूटी दिखा रही है, और दूसरी ये और ये बाइंडिंग थी तो ऐसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और बाइंडिंग की कंटिन्यूटी साथ में मोटर के बेस के द्वारा भी चेक करेंगे कहीं मतलब अर्थ लीकेज तो नहीं है, सारे टर्मिनल की अर्थ लीकेज चेक करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई अर्थ लीकेज नहीं है। साथ में अब हम क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है हमारे पास, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको भी कंटिन्यूटी मोड के ऊपर या सीरीज लैंप से टेस्ट किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अभी क्या है कि अभी ये ओपन है, परंतु जैसे ही तो यहाँ पे कंटिन्यूटी में इसको कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखेंगे और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की दोनों धारा को आपस में लगाएंगे, तो जब ये बेस के साथ जुड़ेगा तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये प्रेस होगा ऐसे और ये बीप के बाद देगा, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। जब मोटर 80% से ज्यादा की स्पीड पकड़ लेगी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ऐसे काम करेगा, तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जो है वो टेस्टिंग की जाएगी। करेंगे हम कैपेसिटर की बारी बारी से टेस्टिंग करेंगे कि ये जो हमारे कैपेसिटर हैं वो ठीक है कि नहीं। अब क्या है कि इसको टेस्ट करेंगे कैपेसिटर को, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड हो गया जो, और इसके साथ ये कैपेसिटर के दो टर्मिनल हो गए जो तार के साथ आपस में कनेक्ट हैं, इनको हम क्योंकि एसी वोल्टेज है तो ध्यान रखना पड़ रहा है, ऐसे चार्ज करेंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे तो एक डिस्चार्ज की आवाज़ आएगी। ठीक है, दोबारा देखेंगे, ठीक है, तो अगर ये आवाज़ और चार्जिंग इसकी आपको ठीक से प्रॉपर नज़र आ रही है तो ये प्रॉपर चार्ज है। इसी प्रकार हम दूसरे कैपेसिटर को चेक करेंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर ये प्रॉपर स्पार्क कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका कैपेसिटर जो है वो ठीक है। और अब हम दूसरे कैपेसिटर की टेस्टिंग करेंगे, तो ऐसे, और जब हम इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो ये ना कोई स्पार्क कर रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है वो टोटली ख़राब हो गया है। ठीक है, मोटर को बाइंड अप कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एक बार लास्ट में जब क्लोज हो जाएगी मोटर उसके बाद दोबारा से टेस्टिंग करेंगे और आपको चला के बताएंगे कि ये हमारा प्रॉपर ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। करूँ, हाँ, अब हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो लगा दिया है बेस के साथ, तो इसकी टेस्टिंग करेंगे कि प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होना क्या चाहिए कि जब हम इसको लगाएंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन पे ऑन होना चाहिए, जैसे हम एक प्रोब यहाँ लगाएंगे दूसरी प्रोब यहाँ लगाएंगे तो एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ऑन है। और हाँ, अब क्या है, जैसे हमने लगाया ये ऑन पोजीशन पे है और बीप की आवाज़ दे रहा है, जब मोटर 80% तक स्पीड जनरेट कर लेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऐसे मूव करेगा और ये कट जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब स्पीड 80% से कम हो जाएगी मतलब बंद कर देंगे तो ये आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही 80% स्पीड इंक्रीज होगी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, हमने इसको बंद कर दिया है, पैक कर दिया है, और जैसे ही कनेक्शन करने थे हमने कर दिए, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने ये कॉमन टर्मिनल ले लिया दोनों बाइंडिंग का, और ये इसका एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे हो गया, तो
ये जो प्राइमरी बाइंडिंग बोलो या मेन बाइंडिंग बोलो, ये मेन बाइंडिंग का एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया, इन दोनों पे हम एसी देंगे, और यहाँ पे ये कॉमन टर्मिनल हो गया, यहाँ पे फेस या नेगेटिव कोई भी एक टर्मिनल सीधा लगाएंगे, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे। ये कैपेसिटर आपका रनिंग कैपेसिटर हो गया, जिसका एक टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया हो हमने, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे जो क्लच बोल लो या सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोल लो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के एक टर्मिनल के ऊपर ये लगा दिया हुआ, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का दूसरा टर्मिनल ये है यहाँ पे है, जहाँ पे हम जो है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे, जो इस वक्त हमारे पास थोड़ा ख़राब है। चलो आप फिर भी हम इसको आपको चेक करके बताएंगे कि ये बिना स्टार्टिंग कैपेसिटर के कैसे चलेगी मोटर, और मतलब जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो पहले हम जो बाइंडिंग है और जो हमने बंद किया इसको मोटर को, इसको एक तो ये चेक कर लेंगे कि ये स्मूथ मूव हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि दोबारा से कि कोई बाइंडिंग मतलब जोड़ते इसमें कोई बॉडी के साथ अर्थ तो नहीं हुई है, तो अर्थिंग टेस्ट करेंगे पहले, नहीं हो रही है, ठीक है। किसी भी टर्मिनल के साथ मतलब हमारी जो मोटर की बॉडी है अर्थ मतलब फेस नहीं जा रहा है, ना ही मतलब इसमें करंट लगने के कोई चांस नहीं है। दूसरा हम मेन बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे, तो ये मेन बाइंडिंग हो गई हमारी, ठीक है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, स्टार्टिंग बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे, ये कंटिन्यूशन में बाइंडिंग हो गई, और यहाँ पे मेन बाइंडिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग बाइंडिंग, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो इस वक्त ऑन है। जब ये मोटर 80% स्पीड जनरेट कर लेगी तो यहाँ पे ये स्विच ऑफ कट आउट होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एसी की तारें जोड़ेंगे और उसके बाद इसको चला के बताएंगे आपको कि ये बिना सेंटर स्टार्टिंग कैपेसिटर के अगर हम इसको थोड़ी हल्की सी टॉर्क दे देते हैं तो ये कैसे। अब हम इस मोटर को बिना स्टार्टिंग कैपेसिटर के चलाएंगे। स्टार्टिंग इस मोटर का फायदा क्या होता है कि ये स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होती है। तो इस वक्त तो हम नो लोड पे चला रहे हैं, नो लोड पे चल भी, अगर मैं इसको ना पकड़ूँ तो ये चल पड़ेगी, परंतु जब मैं इसको पकड़ लेता हूँ मतलब पकड़ने का मतलब ये हो गया कि मैं इस पर लोड डाल रहा हूँ, तो लोड डालने पर बिना स्टार्टिंग कैपेसिटर की ये नहीं चलेगी। जैसे ही मैं लोड को हटाऊँगा या इसको थोड़ा सा मूवमेंट दूंगा तो ये चल पड़ेगी, हाँ ना, ये नहीं चल रही है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये चल रहा है।